एक फ्रेंच फिल्म के रीमेक में नजर आएंगी आलिया भट्ट, जो होगा एक म्यूजिकल ड्रामा। आलिया भट्ट जब से बॉलीवुड में आई है तब से उन्होंने कई तरह की फिल्मों में काम किया है और अपने आप को साबित किया है। हर तरह की फिल्मों को अच्छी तरह से निभाने का हुनर रखती हैं आलिया। आलिया को एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही हैं और अब चर्चा है कि आलिया बहुत ही जल्द संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी। खबर है कि आलिया की ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा होगी। इस फिल्म को लेकर चर्चा है कि ये फिल्म संजय लीला भंसाली की ही एक फिल्म खामोशी की तर्ज पर बनेगी। खामोशी की बात करें तो ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में मनीषा कोइराला और सलमान खान लीड रोल्स में थे। ये भी बता दें कि इस फिल्म को अश्विनी अय्यर तिवारी प्रोड्यूस करेंगे और संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म फ्रेंच फिल्म का रीमेक होगी जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फ्रेंच फिल्म का नाम ला फैमिली विलियर है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2019 में शुरू होगी। आलिया भट्ट की बात करें तो उनके फिल्मी करियर की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुई थी, जिसे करण जौहर ने बनाया था। उसके बाद आलिया भट्ट ने कभी मुड़कर नहीं देखा और कई सारी हिट फिल्में दी हैं और अब वो आ रही हैं संजय लीला भंसाली के साथ।